यहाँ के महावीर मंदिर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आए, घुस के आए, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। पटना के महावीर मंदिर की जो सीधी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में है, ऐसी फीलिंग है, अयोध्या में हम लोग हैं। हर जय जय श्री राम की महावीर मंदिर के द्वारा 2.5 किलो का धनुष वहाँ पे दिया गया, 10 करोड़ रुपया दिया गया है। कितनी खुशी है आज रामलला? बहुत ज्यादा खुशी है, हम लोग सोच के आए कि राम जी आएंगे ही आज। हाँ, आ जाएंगे। अयोध्या तो नहीं जाना है, अयोध्या नहीं जाना, यहीं पे अयोध्या की तरह मना लेना है। 500 वर्ष के बाद ये पूरा हुआ है, यहाँ पे महावीर मंदिर में जो रामलला है उनका दर्शन हुआ है। 500 वर्ष बाद ऐसा मौका हम लोगों को मिला हुआ है, बहुत खुशी की बात है। आज 500 वर्ष बाद रामलला हमारे वापस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी है। एक आशीर्वाद पाने के लिए भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। रामनगरिया राम के बसे सरयू के तीर, अचल राज महाराज के चौकी हनुमत वीर। देखिए आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पटना के अयोध्या के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें बाद अब पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर है। देखिए युवा जो है किस कदर महावीर जी का आशीर्वाद लेने के लिए, लोगों में उत्साह जो है वो देखा जा सकता है। सभी के हाथ में प्रसाद है, उसके बाद फूल है, सभी लोग कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद पाने के लिए भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरह से भीड़ जो है वो पूरी तरह से भर चुकी है महावीर मंदिर। इधर की तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से रस्सी के सहारे कहीं ना कहीं भेजने की कोशिश कर रही है, एक एक करके लोगों को अंदर भेजा जाएगा। और एक और जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वही दूसरी ओर पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर है। बड़ी संख्या में भक्त जो है वो पहुंचे हैं, देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं महावीर मंदिर में महावीर जी के आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में बेकाबू, जो देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो महावीर जी का एक आशीर्वाद पाने के लिए, लोगों में आज कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि कितनी खुशी है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कितनी खुशी है। कहाँ से आएंगे? पटना जी। कितनी खुशी है आज रामलला? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत। आशीर्वाद लेने जी, हम लोग सोच के आए कि राम जी आएंगे ही आज। हाँ, आ जाएंगे। अयोध्या का भी इंतजार है? अयोध्या भी जाएंगे? नहीं, अयोध्या तो नहीं जाना है, अयोध्या नहीं जाना, यहीं पे अयोध्या की तरह मना लेना है। महावीर जी का दर्शन हुआ जी। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं और एक आशीर्वाद पाने के लिए महावीर जी का। देखिए किस तरह से, कहाँ से आए हम? तो पटना में ही हैं जी। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। आज बहुत 500 वर्ष के बाद ये पूरा हुआ है जी, बहुत खुशी है। रामलला का दर्शन हुआ? जी, दर्शन हुआ यहाँ पे महावीर मंदिर में, जो रामलला है उनका दर्शन हुआ है। दर्शन यहाँ पर? जी जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा आज खुशी हो रही है हमको, 500 वर्ष बाद ऐसा मौका हम लोगों को मिला हुआ है, बहुत खुशी की बात है आज। तो देखिए रामलला का कहीं ना कहीं आज प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले पटना के महावीर मंदिर में लोगों का हर्षोल्लास जो है वो देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से पूजा पाठ करने के लिए पटना के महावीर मंदिर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला। वैशाली से जी। कितनी खुशी है रामलला वापस आने की? बहुत ज़्यादा। जय श्री राम। देखिए लोगों में हर्षोल्लास है एक बार कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेने के लिए। कहाँ से आए हैं? लखीसराय से। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, 500 वर्ष बाद रामलला हमारे वापस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी है। हर जय जय श्री राम। कहाँ से आए? देखिए हम तो वैशाली के हैं लेकिन पटना ही रहते हैं, तो पटना ही से आए हैं। बराबर मंदिर में आना जाना रहता ही है जी। तो आचार्य किशोर कुणाल जी के द्वारा जो है आप लोग तो चला रहे हैं, तो आप इस चीज़ को चलाइए। कुणाल साहब के द्वारा जो है महावीर मंदिर के द्वारा जो है यहाँ से 2.5 किलो का जो है धनुष और बाण दिया गया है और 85 फीट का जो है कलश भी वहाँ पे महावीर वहाँ रामलला के वहाँ पे दान किया गया है और 10 करोड़ रुपया का जो धनराशि है कल जो है वहाँ पे सौंप दिया गया है। पूर्णतः जो है 8 करोड़ पहले दिया गया था और 2 करोड़ रुपया शेष था, तो वो भी जो है जो रुपया जो है सौंप दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है आज भी जो है राम भक्त जो है हनुमान जी के माध्यम से यहाँ आए हैं, जो रामलला के वहाँ धरती पर नहीं जा पाए, जो अयोध्या नहीं जा पाए, वो यहाँ हनुमान जी के माध्यम से अपने संदेश को, अपने प्यार को जो है रामलला तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हजारों संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं।
बड़ी संख्या में लोग। जी जी, हजारों संख्या में जो लोग वहाँ श्रद्धालु नहीं जा पाए हैं, अयोध्या जिनको निमंत्रण नहीं मिला था जाने के लिए, जिनका सौभाग्य शायद नहीं था जाने का इस बार, तो वो बाद में जाएंगे, तो वो इसी माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से जो है अपनी बातों को जो है, अपनी श्रद्धा को जो है, अपने प्यार को जो है पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और महावीर मंदिर उसका केंद्र बन रहा है। चूँकि आप आज जान जाइए कि महावीर मंदिर के द्वारा 2.5 किलो का धनुष वहाँ पर दिया गया, 10 करोड़ रुपया दिया गया है, और 1 85 फीट का क्लश भी वहाँ पर दान किया गया है। जो है वो झलक रही है पटना के महावीर मंदिर से, कहाँ से? राम, अशोक नगर कंकड़बाग से। कितनी खुशी है राम लला? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। राम आए, बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है, बहुत महावीर जी का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ले लिए, ले लिए, हाँ किसी तरह भी आए, लेकिन आए, घुस के आए, दर्शन किए, माँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में है, ऐसी फीलिंग है अयोध्या में हम लोग हैं, बहुत अयोध्या में, बिल्कुल पटना में, पटना अयोध्या बन गया है, एकदम अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी। पटना जो है वो अयोध्या में तब्दील हो गई है, पटना के हर चौक चौराहे जो है वो कहीं ना कहीं भगवामय कर दिए गए हैं, और पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर जो है वो आप देख रहे होंगे, सीधे तौर पर भक्त जो है वो उमड़ पड़े हैं। पटना के महावीर मंदिर की तस्वीर आपने देखा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहें, धन्यवाद।